नव तत्व बोध समुद्र और नौका का दृष्टांत। नव तत्व को सरलता पूर्वक समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने सागर और नाव का दृष्टांत दिया है। संसार रूपी समुद्र में जीव रूपी नौका अजीव रूपी समुद्र के पानी में चलती है। जब समुद्र में अनुकूल पवन चलती है तब नाव समुद्र में निर्विघ्नता पूर्वक चल सकती है। उसी तरह जीव भी अपने शुभ कर्म रूपी पुण्यों के सहारे संसार में सुख पूर्वक निर्विघ्न जीवन यात्रा कर सकता है। परंतु जब समुद्र में प्रतिकूल हवा चलती है तो नाव चलाना बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार पाप के उदय से जीव संसार में कष्ट पूर्वक यात्रा करता है। संसार रूपी समुद्र में शुभ अशुभ कर्म रूपी जल आश्रव रूपी छिद्रों द्वारा नाव में प्रतिक्षण प्रविष्ट होता रहता है और उन छिद्रों में एकाकार हो जाना बंद है। छिद्रों को बंद करना संभव है। फिर बाल्टी आदि से पानी उलीचना तथा सूर्य की किरणों के ताप से पानी का सूखना निर्जरा है। नाव का कुशल क्षेम पूर्वक किनारे लगना लोकाग्र भाग पर स्थित सिद्ध क्षेत्र पर स्थित होना मोक्ष है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।